क्या आप भी अपना स्मार्टफोन हैंग होने से बचाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल कभी हैंग ना हो? बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ करने पर भी, मैं भी बहुत सारी एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरे फोल्डर के फोल्डर भरे हुए हैं। अगर आपका फ़ोन रेडमी है तो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। जैसे कि आपने देखा, मैंने सिक्योरिटी वाले ऐप पर क्लिक किया। ये सिक्योरिटी वाला ऐप बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिल जाता है अपने मोबाइल में। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज़ पर क्लिक करना है। ऑप्टिमाइज़ क्लिक करने पर आपका डाटा कोई भी लॉस नहीं होगा दोस्तों। जो भी आपका बेकार डाटा पड़ा है मोबाइल में, ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होता है और जिससे आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, उस डाटा को ये क्लियर करेगा, हटा देगा उसको। जैसे कि आप देख पा रहे हैं नीचे क्लीनर भी दिख रहा है, इस पर भी आप क्लिक करोगे तो आपका जो मोबाइल हैंग होता है, जिस डाटा से, जो बेकार का डाटा पड़ा रहता है मेमोरी में, रोम में, जो आपको दिखता नहीं है, उस हाइड डाटा को ये हटा देगा, जिससे आपका मोबाइल हैंग होगा ही नहीं और आप मोबाइल को स्लिम चला पाओगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं नीचे एक बैटरी का भी ऑप्शन मिल जाता है और एक सिक्योरिटी स्कैनर भी मिल जाता है। इस सिक्योरिटी स्कैनर से आप स्कैन करके अपने मोबाइल को वायरस से बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सिक्योरिटी स्कैन इसीलिए होता है, इसमें एवास्ट कनेक्ट होता है। इसमें फ्रेम जो होती है अंदर, वो एवास्ट की होती है, बहुत ही अच्छा और स्लिम चलता है। मैंने जो आपको ऑप्शन बताए दोस्तों, इन सारे ऑप्शंस को आप कभी कभी यूज़ करते हैं तो भी आपका मोबाइल कभी हैंग नहीं होगा दोस्तों। गारंटी है रोस्टेक सीरीज चैनल की। अगर आपको थोड़ा सा भी मोबाइल अगर स्लिम लगे इन सारी चीज़ों को फॉलो करके, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। नेक्स्ट ऑप्शन भी कमाल का ऑप्शन है दोस्तों, सेटिंग पर जाना है आपको। जब आप सेटिंग पर चले जाएंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। अबाउट फ़ोन में जाना है, फिर अबाउट फ़ोन में जाने के बाद आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मेरे पास मेमोरी बची हुई है अवेलेबल 7.70 GB और टोटल में 32 GB आ रहा है। तो आपको कैच डाटा क्लियर करना है। कैच डाटा क्लियर करोगे, जैसे आप क्लियर करोगे तो आप, जैसा कि आप ऊपर लाइव देख पा रहे हैं, 7.70 दिखाई दे रहा था, अभी 7.76 GB दिखाई दे रहे हैं। मेरी रोम बढ़ चुकी है दोस्तों और आपका कोई भी डाटा लॉस नहीं हुआ है। यहाँ से भी आप मोबाइल की स्पीड को बढ़ा सकते हैं दोस्तों। इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको कौन सी परेशानी आ रही है, कोशिश करूँगा उसे हल करने की। दोस्तों, अगर आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।